नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के अब तक किए गए काम की, ममता बनर्जी के महिलाओं के लिए उठाए गए धुआंधार कदम की और 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी मामले में फूटते अभ्यर्थियों के गुस्से की। इसके अलावा आज दिन भर कौन सी खबरें चर्चा का विषय बनी रही, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विभव कुमार को मिली जमानत से स्वाति मालीवाल आहत, शेयर किया द्रौपदी चीरहरण वाला पोस्ट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक तस्वीर पोस्ट की। छवि में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दिखाया गया। पीएम मोदी ब्रुनेई पहुंचे, क्राउन प्रिंस ने किया स्वागत, प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश के मदरसे में 100 रुपए के नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, प्रिंसिपल और 3 अन्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये धंधा अतरसुईया इलाके में एक मदरसे में चला जा रहा था। लखीमपुर का टाइगर और बहराइच के भेड़िये से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों और उनके आसपास बाघ और भेड़ियों का आतंक चरम पर है। दोनों इलाकों में आदमखोर भेड़िये और बाघ कई लोगों की जान ले चुके हैं। वहां लोग इस कदर खौफजदा है कि वो रात होने से पहले ही अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 4 अंक टूटा, निफ्टी भी सुस्त। 30 शेयरों पर आधारित बेंचमार्क सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 10 दिन से जारी तेजी पर विराम लगा। ये तकरीबन 4.40 अंक यानी कि 1% की मामूली गिरावट के साथ 82,555 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय कारोबार के दौरान ये तकरीबन 149 अंक टूट गया था। निफ्टी लगातार 14वें कारोबारी सत्र के हरे निशान पर बंद होने में सफल रहा। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो को दिखा देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक पुजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग पुजारी को पीटते नजर आ रहे हैं। पहले आइए देखते हैं वायरल वीडियो। तेरा नियम है, तेरा नियम है ये बदतमीजी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुजारी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि इसे इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। तो आपको बता दें, इस पुजारी ने अपराध नहीं किया बल्कि पाप किया है। इस पुजारी ने 7 साल की बच्ची को छेड़ा है, जिसके बाद लोग इस पर टूट पड़े। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन यह वाकई बेहद शर्मनाक बात है कि कैसे एक मंदिर का पुजारी ऐसा काम कर सकता है। जहां पूरे देश में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां मंदिर जैसे स्थान को भी लोगों ने अब कलंकित कर दिया है। ऐसे में इन लोगों को, या यूं कहें कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की ओर। देश में तीसरी बार मोदी सरकार का बोलबाला है, लेकिन क्या आपने सोचा है या जानने की कोशिश की है कि इस बार यानी कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है। तो चलिए इस बात का लेखा जोखा हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी की शुरुआत वैसे ही की है जैसा उन्होंने वायदा किया था, चाहे वो कृषि के विकास और किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए घर। मोदी सरकार दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कोई देरी नहीं कर रही है। 9 जून को शपथ लेने के बाद से
छियासी दिनों के भीतर मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी। क्या क्या किया ये भी आइए आपको बताते हैं। विकास पर जोर देते हुए शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू की। सरकार गठन के बाद लगभग 3 महीने में कैबिनेट की 15 बैठक हो चुकी हैं। शहरों और गांव में 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए MSP वाली सभी फसलों पर 100 रुपए से लेकर 550 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। हाईवे और एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ सरकार ने पहले 100 दिनों में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 8 कॉरिडोर को मंजूरी दी है। वाराणसी एयरपोर्ट के विकास पर 2,869 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी गई है। मेट्रो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी सरकार की अनुमति मिली है। यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बात की जाए तो मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों में पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तरक्की की रफ्तार तेज है। हालांकि ये रफ्तार बनी रहेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता की नाराजगी झेलने के बाद मोदी सरकार की एक कोशिश है कि सारा डैमेज कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। पश्चिम बंगाल में जब से महिला डॉक्टर का रेप हुआ तब से ममता बनर्जी सवालों के घेरे में घिर गईं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा काम किया जो महिलाओं के लिए अच्छे कदम के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल पेश किया, जिसके बाद विधानसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। CM ममता ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। साथ ही CM ने कहा, हम चाहते हैं CBI इंसाफ दिलाए। अब इस बिल में क्या है और महिलाओं को कैसे न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने कदम उठाया है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एंटी रेप बिल यानी कि अपराजिता बिल में क्या क्या है। इस बिल के अंदर रेप हत्या के केस में फांसी का प्रावधान होगा। अपराजिता बिल के अंदर मामले की चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर आरोप साबित हो जाने के बाद दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस बिल के तहत हर जिले में महिलाओं के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करेगी। एसिड अटैक के मामले में भी सख्त सजा दी जाएगी, जैसे कि आजीवन की सजा देने का प्रावधान है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता सरकार का विरोध किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर थी, ऐसे में ममता बनर्जी का ये बिल लाना डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा सकता है। मगर इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि ये कदम महिलाओं के लिए एक दमदार कदम जरूर है, और इसीलिए इस बिल का समर्थन आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी किया। जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और दोषियों को सजा तक नहीं मिलती, ऐसे में ये बिल बहुत काम का है। इस पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता है। अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं इस बात से बुलंद हो जाते हैं कि उन्हें सजा ही नहीं मिलती। NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 21,21,755 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 23,243 मामले में गुनहगारों को सजा मिल पाई, जबकि 60,290 बरी हो गए। ऐसे में जिस दिन जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी उसी दिन इन अपराधियों पे लगाम लगना शुरू हो जाएगी। फिलहाल वक्त है इसी के साथ आगे बढ़ने का और अगली रिपोर्ट के बारे में जानने का। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाद मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, अभ्यर्थी शिक्षक प्रक्रिया में देरी और अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। कभी मुख्यमंत्री का आवास तो कभी डिप्टी CM का आवास तो कभी मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। अखिलेश यादव,
चंद्रशेखर आजाद, संजय सिंह सहित बड़े नेताओं ने अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया है, लेकिन अफसोस अब तक इन लोगों को वो न्याय नहीं मिला जो न्याय मिलना चाहिए था। एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों को, या यूं कहें प्रदर्शन करने वाले लोगों को खदेड़ा, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मौके पर ही डटे रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ी में बैठाया। बताया जा रहा है इस बार फिर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी भी चलाई। आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सभी मेरिट लिस्ट निरस्त कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया था। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया था। वहीं कोर्ट के फैसले आने के बाद से अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। नियुक्ति की गुहार लगा रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार नियुक्ति दे, अब हमारे पास मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। देखा जाए तो कहा जाता है इस देश का युवा इस देश की पहचान है, लेकिन फिर भी अफसोस कि इस देश के युवाओं को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि पिछड़ों दलितों की अगुवाई करने वाली सरकार उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है। ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पिछले कई सालों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोते रोते इनकी आंखों का पानी सूख गया, लेकिन इसके बावजूद किसी हुकुमरान का दिल नहीं पसीजा। अब इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की, आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट्स। लेकिन इसके अलावा आज क्या कुछ हुआ खास, वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में दंतवाड़ा और बाजीपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें, जवानों ने 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से माओवादियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक कालिंदा खाल बद्रीनाथ ट्रैक को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ITBP के इस दल में गाइड सहित 17 जवान शामिल रहे। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के नवनियुक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों से मुलाकात की और सभी से गुटबाजी से दूर रहने का आग्रह किया। और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो वो सार्वजनिक रूप से ना उठाएं, उन्हें पार्टी के मंच पर उठाएं। फिलहाल इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते एक अहम मुद्दे पर आपसे बात जरूर करेंगे। हाल ही में सीएम योगी ने दावा किया 2017 के बाद उन्होंने अलग मॉडल उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। यूपी में बेटियां अब सुरक्षित हैं, मगर हमारा सवाल वही, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, क्या पूरे देश में बाकी बेटियां कहीं सुरक्षित हैं? क्योंकि कभी गांव में तो कभी शहर में बेटियों को हवस का शिकार बनाया जाता है, और अगर उनको न्याय दिलाने की बात की जाए तो उनको राजनीति का शिकार बनाया जाता है। दिसंबर 2012 में निर्भया गैंग रेप के बाद रेप से जुड़े कानून में बदलाव किए गए, रेप की परिभाषा भी बदल दी गई। अब शरीर के किसी भी हिस्से के साथ यौन हरकत करना रेप के दायरे में माना जाएगा। इसके अलावा घूरने, अश्लीलता प्रदर्शित करने और एसिड अटैक करने जैसे अपराधों में 2013 के बाद कठोर दंड प्रावधान किए गए। मगर अफसोस, फिर भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में ऐसा दावा करना कि किसी राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं, ये तो धोखा है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रेप केस हर बार उत्तर प्रदेश में ही सामने आते हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि अब हवाई दावे ना किए जाएं, बल्कि काम किया जाए। महिला सुरक्षा के लिए जैसे भी बिल पास किए जा सकते हैं वो पास किए जाएं, जो भी किया जा सकता है वो किया जाए,
क्योंकि अब जनता झूठ को पहचान सकती है और इस झूठ का जवाब भी दे सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है साहस।